सरकार काम नहीं करेगी जब तक कानून वापसी नहीं लेगी, ये किसान यही रहेगा, ये कहीं नहीं जाता। हम क्या 1.5 साल पर मान रहे हैं, हम तो वापसी होंगे, ये हो जाएंगे, ये सब 5 साल ले जाएंगे, 6 साल ले जाएंगे, ये सब 10 साल के लिए ले जाएंगे, फिर ये खत्म ही हो जाएगा सहज सहज। जब कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा हो जाएगा तो जितना दिखा रही ठीक है। कौन कर रहा पहरा ये? तो बंदूक का पहरा, बंदूक वाले का पता थोड़ा रहे, वो तो ये कहते हैं कि बंदूक ऊपर है, गर्दन नीचे को रख। अच्छा कहाँ रहे वो? उससे जरूर मिलवा हूँ मैं। नहीं, आप तो मिलते उसकी आवाज आवाज सुने, वो वैसे भी नहीं दिखा मैं टीवी पर तो मिलते हो ना, वो फोन पे उस पे आवाज पे ही मिले, वो वैसे नहीं देखे हमने, कहाँ है उससे मिलेंगे जरूर। अब उसका प्रोग्राम होगा, उसके स्टूडियो में ही जाऊंगा। तो सर हर बात का पहले पता होता अपने आंदोलन का? हाँ पता हो सर, पता हो सर, पहले पता भाई, ज्ञानी आदमी, उसके संबंध बहुत ऊंची ऊंची जगह संबंध है। सर जो राष्ट्रीय मीडिया है किस तरह से देखते हो किसान आंदोलन में आप? वो तो ठीक आंदोलन में काम कर रही, बढ़िया। पश्चिम बंगाल दिखा रहा हूँ नहीं नहीं ठीक दिखा रही, बढ़िया दिखा रही, बढ़िया काम, बढ़िया दिखा रही, बहुत बढ़िया। मीटिंग होगी अब 2 बजे से मीटिंग हो रही। क्या सर मानो का 1.5 साल वाला प्रस्ताव? ना ना 1.5 साल वाला नहीं मानते, 1.5 साल नहीं ना ना, ये और आगे को बढ़ने दे, ये खत्म ही होंगे। दिया फिर जवाब इस बात दे दिया था हमने तो जवाब, किसने कहा कि हमने जवाब नहीं दिया भाई? वहाँ गए मीटिंग करने, वे पकड़ कर थोड़ा बैठा रहे, हम आन तो देंगे बाहर, उन्होंने अपनी बात बता दी तो बाहर तो आने देंगे। आप लोगों ने कहा बातचीत करके बताएंगे? अरे जब 7 बजे तो 7 बजे लोग को सब बाहर तो निकलेंगे, उससे आप उधर ही रहो, पहन जी उधर ही रहो, ठीक है। मुल्ला जी की बात से लग रहा है कि बात बन सकती है, सहमति बन सकती है? हाँ हो सके कि बात बन जाए। तो क्या 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है आपका ट्रैक्टर रैली वो रहेगी? वो रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि पुलिस विभाग के हाथ में है ये। हाँ तो पुलिस नहीं मिलती है, पुलिस नहीं तो कहा उसने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सारी चीज बिल्कुल खुला में खुला बताओगे क्या? सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ने कह दिया पुलिस को अपनी एप्लीकेशन लेकर जाओ और व्यवस्था देखो। तो व्यवस्था देखने का क्या मतलब है कि परेड आवेगी उसकी व्यवस्था देखो कहाँ कहाँ को आवेगी, यही तो कहा। और लिखित प्रबंध में चाहो तो राजपथ पे जाओगे, रिंग रोड पे? रिंग रोड पे राजपथ पर। तो राजनाथ सिंह ने ये कहा कि परेड ये हो रही है और कमेटी का निर्णय तो 10 दिन में ले आऊंगे, ये बहुत उस्ताद आदमी सरकार, बीजेपी तो साथ में है हमारे। सर बीजेपी की महिला सांसद राजस्थान से कह रही है किसान 147 लेकर बैठे हुए, कहाँ से आई? हाँ ढूंढवाओ कहाँ है, जरूरी है ढूंढनी। सांसद को झूठ भाई, सांसद को झूठ थोड़ा बोल रही हो, उसे पता है कहाँ है। सर जिस तरीके से पहले बताया जा रहा था कि ये कोई असामाजिक तत्व है, किसान नहीं है, और अब ये 1.5 साल के लिए होल्ड क्यों कर रहे हैं? हाँ तो ये असामाजिक तत्व तो आ रहे 26 तारीख में, इन्हें वही तो दिखाना है, सामाजिक तत्व है, झंडा हाथ में थाम लिया। सर रिंग रोड पे जाना तो 26 तारीख ही क्यों चुनी है, तो कोई भी तारीख चुन? नहीं नहीं 26 ही चुनेंगे, 26 ही चुनेंगे, असामाजिक तत्व है भाई, तिरंगा हाथ में लेके अगर वो अपना पश्चाताप करने जा रहा है तो कर लेने दो उसको। सर हर हर आंदोलनकारी लेके जाता तिरंगा? नहीं कौन लेके जा रहे, बीजेपी वालों तो, बीजेपी वाला तो एक झंडा नहीं दिया उन्होंने, हम मांग रहे उनसे एक नहीं दिया। कितने झंडों की मांगी आपने? 50,000, कोई ज्यादा थोड़ा मांग लिया उनसे, इतनी बड़ी पार्टी है। सर कह रहे हैं कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है आपके दिल्ली से, तिरंगा झंडे से कानून व्यवस्था बिगड़े? कौन सा कानून है? कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, और बता दो ना, आ जाएंगे देख लेंगे, आ जाएंगे दिल्ली भी देख लेंगे ट्रैक्टर। सर राजपथ का कैंसिल क्यों हो गया था? वो वहाँ पर परेड हो, राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया कि ये कोई खालिस्तानी वो नहीं है, इनके खिलाफ इस तरह का वो निजी कर वो करना चाहिए। टाइम लग गया ना उन्हें बयान देने में? नहीं दे दिया, चलो जब भी दे दिया जब भी ठीक है, लेकिन एक महीने से तो पूरा हाय हल्ला था, डरा रहे थे क्या सरकार को? हाँ सरकार बड़े रहने का काम करे, बड़ी चीज़ है सरकार। अच्छा परमिशन दिया करे कोई दिल्ली पुलिस? यहाँ की परमिशन है करने की? सर दिल्ली पुलिस का रवैया तो आपने देखा? हाँ देख रखा दिल्ली पुलिस का रवैया। हाँ रवैया ठीक है, देख लिया। हाँ खुदवा दे, ठीक खुदवा दे। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि आपने जो वो केएमपी हाईवे पे ट्रैक्टर रैली निकाली थी वो टेलर था पिक्चर ही बाकी। अरे आवेंगे भाई, अब हमारे हाथ में रोली रैली रोकना नहीं है, जो परेड है हम इनमें सुझाव दे सके, इसकी व्यवस्था बनवा सके, हम भी व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे। सर ऐसी भी खबरें आ रही है जो प्रस्ताव दिया सरकार ने, कुछ किसान नेता सहमत है उनके पास? अच्छा है क्या कुछ ना? नहीं कोई नहीं है। कहा जा रहा है गर्मी बढ़ती जा रही
किसानों का जैसे तो कोई नहीं बनना चाहेगा। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रहे हो? नहीं नहीं मान रहे, सरकार की भी नहीं मान रहे, किसकी मानोगे बात सर? ना ना सबकी मान रहे। सुप्रीम कोर्ट ने समिति तो बना दिया था, फिर कैसे? कहाँ है समिति? वो तो बाकी, वो तो बाकी, वो तो मीटिंग भी करने जाने पे तीन चार पाव में से एक टूट जा पहिया, तीन पहिया चार पहियाओं पर गाड़ी चले, एक निकट जा कोई जा सके गाड़ी में? आप बताओ कहीं जा सकेगा? मैं कह रहा कि तीन पहियाओं की गाड़ी देखी आपने कहीं? अगर उसके चार पहिया एक उसमें से निकल कर भाग जा तो चलेगी वहाँ? लोग कह रहे हैं आप लोगों ने ज्यादा दबाव बना दिया समिति टूट गई इस वजह से। चलो हमारा कुछ मतलब नहीं उससे था भाई, हमारा सरकार में विश्वास है, सरकार इसको हल करेगी। वो एक दिन कर लो या बाद में कर लो, उसी को हल करना है। 26 तारीख को तो जाना, जाना। सर कल भी दो किसानों की जान चली गई है, शहीद हो गए हैं। हाँ। कोई ट्वीट नहीं कर रहा सरकार का मंत्री ना पीएम साहब, कोई दो शब्द बोलते हैं आप? नहीं बोलते भाई, उनको पता नहीं हो चलता होगा। सर इनका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जो भारत सरकार को। सर सरकार करे एक बीमारी लेकर आए थे, अब अनेक बीमारी गिना रहे हैं। हाँ गिना होंगे बीमारी, गिना होंगे उन्हें सारी गिनानी, यंत्री तो है डॉक्टर तो यही है ना बीमारी का भाई। किसान की डॉक्टरी का जो इलाज है वो दिल्ली के अस्पताल में हो। सर सुनने मारा आपने कूलर भी बुक कर दिया, बताइए? नहीं कूलर तो आगे वहाँ पे है, उस वाले उसमें लग रहे, कूलर देख लो उसको। लंबा प्लान है? हाँ लंबा है सर। मच्छरदानी बता रहे हैं आ जाएंगी, सब आवेंगी। अरे सब आओगा भाई, यहाँ सारा काम होगा, सब चीज है। हाँ सब आएगा यहाँ पे। सर किसान आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, पूरे देश में। हाँ। लेकिन भाजपा तो जीतती जा रही है, बंबई में जीत गई है पंचायत चुनाव में। हाँ तो जीत जाएगी, कोई हमने वोट न देने का थोड़ा यहाँ से प्लान बनाया। वोट जिसको जहाँ देना, जिसकी आस्था जहाँ है वो वहीं दे लो, जिसकी जहाँ आस्था है। वोट बीजेपी को देना जिसकी जहाँ आस्था है, हम नहीं मैंने कर रहे बीजेपी को ना दो किसी और को, जिसकी जहाँ आस्था है, वोट का सवाल नहीं यहाँ पे। अभी आया था कुछ फोन, अभी आया था फोन वो कह रहा था जी मैं बीजेपी छोड़कर यूनियन में आया, मैं कहा भाई यहाँ कुछ नहीं है, तो आंदोलन में साथ में आ जा, रो वही। सर आप पे आरोप भी लगे कि आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, सही है क्या? 2024 की तो सारी तैयारी कर रहे हैं, वोट तो देनी है इनको कहीं ना कहीं। जो वोट दे रहा है वो चुनावी तो लड़ रहा है, अपने कैंडिडेट को बिल्कुल मजबूती से लड़ाता है कि मैं जीतूंगा, तो मेरा मतलब है कि मेरा कैंडिडेट जीतेगा। लोग कह रहे हैं कि आप भी मैदान में उतर। नहीं नहीं सर, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी कहा है कि हम भी ट्रैक्टर रैली में भाग लेंगे। अच्छा कहाँ है वे, दिखे नहीं? आने दो ना, आने दोगे आप? नहीं नहीं आज सब आवे राजनीतिक। अरे उन्होंने तो सबसे बढ़िया रोड बनवा रखी भाई, उसको चलाना चाहिए उन दोनों सड़क को, लखनऊ से आगरा तक की रोड बढ़िया बना भाई उन्होंने। अगर यहाँ आते तो आप शामिल हो, साथ में शामिल हो लेंगे अपने? हाँ तो घूम लो, क्या दिक्कत है, सब घूमो उसमें तो, राष्ट्रीय पर्व है, सबको आना चाहिए।